हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी से समास पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इसके दूसरे भाग में हम परिभाषा, समस्त पद, समास विग्रह के साथ उसके अन्य भेद द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीही समास का अध्ययन करेंगे। समास संस्कृत धातु अस, जिसका अर्थ है संक्षेप करना, में सम उपसर्ग जोड़कर समास शब्द बना है। समास शब्द का अर्थ है समाहार या मिलाप। इस प्रकार हम पाते हैं कि समास का अर्थ संक्षेपीकरण हुआ। उदाहरण स्वरूप देखें तो पुरुषों में है जो उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम, राह के लिए खर्च अर्थात राह खर्च। अतः हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समस्त पद सामासिक प्रक्रिया द्वारा बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद में कम से कम दो शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे घुड़सवार समस्त पद है, विग्रह हुआ घोड़े पर सवार। समास विग्रह, जब हम समस्त पद को अलग अलग करके दिखाते हैं तो इस अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे समस्त पद घुड़सवार को यदि अलग अलग करके दिखाएं तो इसका समास विग्रह होगा घोड़े पर सवार। समस्त पद विग्रह पद, समस्त पद माखन चोर, इसका विग्रह हुआ माखन को चुराने वाला। हवन सामग्री समस्त पद का विग्रह हुआ हवन के लिए सामग्री। आइए द्विगु समास का अध्ययन करें। द्विगु समास, जहां समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक होता है तथा समस्त पद किसी समूह विशेष का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण स्वरूप देखें तो समस्त पद विग्रह पद, पंचवटी समस्त पद का विग्रह हुआ पांच वटों का समाहार या समूह। इसमें पांच संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए ये द्विगु समास हुआ। दूसरा उदाहरण देखिए, सप्ताह, इसका विग्रह हुआ सात दिनों का समाहार या समूह। इसमें सात संख्यावाचक विशेषण शब्द है, इसलिए ये भी द्विगु समास है। द्वंद्व समास, समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा समस्त पद में संयोजक चिन्ह लगा होता है, इसका विग्रह करने में दोनों पदों के बीच और या तथा अथवा जैसे समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व का अर्थ दो या दो से अधिक वस्तुओं का युग्म अर्थात जोड़ा होता है। उदाहरण स्वरूप देखें तो समस्त पद विग्रह पद, समस्त पद सुख दुख, इसका विग्रह होगा सुख और दुख। लाभ हानि, समस्त पद का विग्रह हुआ लाभ या हानि। इसमें दोनों उदाहरणों में और तथा या समुच्चय बोधक शब्दों का लोप हुआ है, अतः यह द्वंद्व समास है।
बहुव्रीही समास। जिस समास में दोनों पदों में से कोई पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करता हो वह बहुव्रीही समास कहलाता है। उदाहरण स्वरूप देखें तो समस्त पद विग्रह, जैसे विषधर समस्त पद का समास विग्रह होगा विष को धारण करने वाला अर्थात सांप। दूसरा देखिए उदाहरण, विषधर समस्त पद का विग्रह हुआ विष को धारण करने वाला अर्थात शिव। तीसरा उदाहरण देखा जाए तो दशानन, दस हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको समास पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।